विभव साहब, बारिश और ओले गिरने से कई जिलों में किसानों के चेहरों पर मायूसी छाई है। सिरोही के माउंट आबू में काले बादलों की आवाजाही के साथ बारिश हुई। माउंट आबू की पहाड़ियों में करीब 4 घंटे तक बारिश का दौर चला। वीकेंड का मौका और सुहाने मौसम से सैलानियों ने पहाड़ियों का रुख किया। इस मौके पर मौसम का जायजा लिया है हमारे सहयोगी कमलेश प्रजापत ने। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रदेश के तमाम इलाकों के मौसम का मिजाज बदला। बात करें माउंट आबू की तो माउंट आबू में ही सुबह से ही मौसम में यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है और मैं एक नजारा दिखाना चाहूंगा। सहयोगी छगन मेरे साथ है, जो ये माउंट आबू का जो आसमान है, इस माउंट आबू के आसमान में आप देखिए सुबह से जो है बादलों की आवाजाही है और बादलों की आवाजाही की वजह से जो छुटपुट बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। शहर की जो तमाम जो सड़कें हैं और तमाम इलाके इस हल्के बारिश के चलते गीले हो चुके हैं और मौसम की ये बारिश कहीं ना कहीं किसानों के लिए परेशानी का सबब बनती हुई नजर है। कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त देखिए हम नक्की झील पर हैं और नक्की झील से जो सुंदर तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि माउंट आबू की जो फिजाएं तो यहाँ पर खिली हुई नजर आ रही है और इस फिजाओं का मजा लेने के लिए सैलानी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो एक तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। इस वक्त जहाँ माउंट आबू के इस ऐतिहासिक नक्की झील के किनारे पर खड़े हैं और ठीक थोड़ा सा दूरी पर आप देख सकते हैं जो सैलानी है वो माउंट आबू की इस खूबसूरती को अपने यहाँ पर कैमरे में भी कैद करते हुए नजर आए। ऐसे में कहा जा सकता है कि पर्यटन के लिहाज से यह बारिश तो एक वरदान साबित हो रही है, लेकिन किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है क्योंकि फसलें यहाँ पर पककर तैयार हो चुकी हैं और बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर कहीं ना कहीं तोड़ दी है। ऐसे में आज का दिन कहीं ना कहीं माउंट आबू के लिए तो पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड के चलते सैलानियों के यहाँ माउंट आबू आने का क्रम भी जारी है, लेकिन बेमौसम की बारिश ने किसानों की परेशानियां यहाँ पर बढ़ा दी है और किसानों को एक बड़ा नुकसान होने की उम्मीद है क्योंकि प्रदेश के कई इलाकों में ओलावृष्टि के साथ साथ तेज बारिश हुई है, उसकी वजह से फसलों को काफी यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त जहाँ हम नक्की झील पर हैं जो सैलानी हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं और माउंट आबू की जो खूबसूरती है उस खूबसूरती को कहीं ना कहीं अपने कैमरे में कैद करते हुए हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। भाई साहब कहाँ से आए आप लोग? आप सोनाना खेतला जी, पाली जिला। मौसम कैसा है? मौसम बहुत बढ़िया है, अच्छा है। बारिश वगैरह हो रही है? बहुत जोरदार हो रही है सर। मजा आ रहा है? मजा एकदम। देखिए जो सैलानियों का उत्साह है वो देखते ही बनता है और सैलानी यहाँ पर माउंट आबू की इस नक्की झील के किनारे पर पहुंचकर जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है उसको निहारते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी जरूर है। सहयोगी छगन राणा के साथ कमलेश प्रजापत, फर्स्ट न्यूज। आगे बढ़ते हैं, जयपुर से खबर है। घने कोहरे में लिपटा टोंक रोड, कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार धीमी हुई, सड़क पर दृश्यता कम हुई है और आप देखिएगा ये वो नजारा टोंक रोड का। अल सुबह घना कोहरा छा है, विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है कोहरे के चलते। अमूमन ऐसा दृश्य तेज सर्दी के दिनों में दिखाई देता है, लेकिन अब चूंकि गर्मी के सीजन की शुरुआत हो गई है, लेकिन मौसम ने जब पलटी मारी है साइक्लोनिक सिस्टम के एक्टिवेट होने से यह असर देखा जा रहा है। दो दिन खासतौर पर पश्चिम विक्षोभ का असर सर्वाधिक रहा, 1 और 2 मार्च। आज हालांकि मौसम सामान्य रहेगा, शुष्क रहेगा।